भारत में ऐसे ऐसे भव्य मंदिर और इमारतें मौजूद हैं जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि कोई मंदिर पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया तो कोई मंदिर घी से सिंचाई करके बनाया, और तो और कोई मंदिर सोने से सजाया गया है। भारत के ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें 15,000 किलोग्राम सोने का यूज़ किया गया है, जिसके बाद ये मंदिर अपनी असली नाम की जगह गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गोल्डन टेंपल नाम सुनते ही आपके मन में पंजाब के अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेंपल जहन में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अमृतसर टेंपल के बाद भी एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें आप जान सकें। तमिलनाडु के वेल्लोर में माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर है जिसका वास्तविक नाम श्रीपुरम महालक्ष्मी मंदिर है। यह मंदिर वेल्लोर से 7 किलोमीटर दूर थिरुमल्लई में स्थित है। महालक्ष्मी मंदिर को दक्षिण के गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण कार्य सन 2000 में शुरू हुआ, जो कि 24 अगस्त 2007 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर में धन की देवी माता लक्ष्मी की 70 किलो वजनी प्रतिमा है। कहते हैं इस मंदिर में जितना सोना इस्तेमाल हुआ है, इतना सोना पूरी दुनिया में किसी भी पूजा स्थल पर नहीं हुआ। पूरा मंदिर सोने से निर्मित है, जिसमें करीब 15,000 किलोग्राम शुद्ध सोने का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर 100 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। मंदिर को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस मंदिर को रात की रोशनी में जगमगाता हुआ देखना अलग ही अनुभव देता है। मंदिर को बनाने में एक सन्यासी शक्ति अम्बा का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर की रचना वृत्ताकार है और मंदिर परिसर के बाहर एक सरोवर भी बनाया गया है, जिसमें भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों का पानी लाकर मिलाया गया, इसीलिए इसे सर्व तीर्थम सरोवर भी कहते हैं। मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों में सोने का काम हुआ है। मंदिर पर 9 से 15 सोने की परत लगाई गई हैं, जिन्हें एक शिलालेख के रूप में बनाया गया है। कहते हैं शिलालेख के लेख वेदों से लिए गए हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रेस कोड लागू किया गया है। यहाँ पर कोई भी बरमूडा, शॉर्ट्स, नाइटी आदि में नहीं जा सकता। मंदिर में एंट्री करने के लिए रास्ते को सितारे की आकार में बनाया गया है, जिसकी अवधि 1.8 किलोमीटर है। श्रद्धालु मंदिर में दक्षिण की दिशा से प्रवेश करके पूरे परिसर की क्लॉकवाइज परिक्रमा कर पूर्व दिशा में आकर माँ लक्ष्मी और नारायण के दर्शन कर फिर दक्षिण से बाहर आ जाते हैं। सभी दीवारों को गुरु शक्ति माँ अम्बा की आध्यात्मिक शिक्षाओं से सजाया गया है, साथ ही साथ सभी धर्मों और शास्त्रों की बातें भी लिखी हुई हैं। मंदिर के एक एक भाग को वास्तु शास्त्र और वैदिक नियमों के अनुसार बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक हॉस्पिटल और शोध केंद्र भी बनाया गया, ताकि यहाँ पर तरह तरह के शोध कर सके। मंदिर परिसर में 27 फीट ऊंची दीपमालिका भी है, जिसके चलने पर मंदिर वास्तविक में माँ लक्ष्मी का निवास लगने लगता है। मंदिर में जितना भी सोने का जटिल काम हुआ है, वो सभी हाथों के द्वारा किया गया है। मंदिर में हर कला का विवरण हिंदू धर्म के वेदों से लिया गया है। भारत के दूसरे मंदिरों की तरह इसका कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाना पक्का है, जिसके बाद ये मंदिर उनके पसंदीदा तीर्थस्थल में शामिल हो जाता है। मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें कभी कभी संख्या 1 लाख के ऊपर चली जाती है। गोल्डन टेंपल होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा का बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैमरा आदि नहीं ले जा सकता। यहाँ पर ये सभी चीज़ें ले जाना वर्जित है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये मंदिर, कमेंट ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।